हम चलते हैं। तुम आंखों से तीर चलाती हो, तीरंदाजी जारी है। दिखती फूल जैसी हो, पर ये फूल बड़ा भारी है। हम माफी चाहते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं अपने पे आ जाऊं ना तो पहाड़ भी उठा लूं। तो फिर मुझे भी उठा लो। जिनू मेरे भाई, हम जिनू तुम्हारा जादू काम कर गया जिनू, आग बुझ गई, हम जीत गए जिनू, हम जीत गए। हमें जीतना तो था ही, क्योंकि हम दोनों भाई मिलके एक और 11 हैं। 11 नहीं, 14। 14? 14 कैसे? एक मैं और 4 तुम। अरे तुम तो, अरे सुनो, अरे मैं मजाक मान जाओ मेरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मान गया भाई, मान गया। लेकिन आका, ये तो अच्छा हुआ कि आग सबसे बड़े तेल के कुएं के पास जाने से पहले ही बुझ गई। हाँ जी, और ये सब तुम्हारी? मैंने अकेले कुछ नहीं किया, मेरे साथ अम्मी की दुआएं थी। हाँ जीनू, ये सब उन्हीं दुआओं का सदका है कि आज मैं अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाला हूँ। तुम्हें याद है ना जीनू, हुकूमत ने क्या कहा था कि जो भी तेल ढूंढेगा उसे महल में नौकरी मिलेगी। अब मेरा यहाँ आने का असली मकसद भी पूरा होगा। और मेरा दिल तो अभी से ये सोचकर धड़क रहा है कि मैं उसके पास पहुंचने वाला हूं जिसे मैं सच्ची मोहब्बत करता हूं। प्यारी परेशानी जी। छोड़ो प्यारी परेशानी, प्यारी परेशानी जी। प्यारी परेशानी जी, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि अब मेरी जिंदगी में एक लड़की है। मेरे और उसके बीच मोहब्बत का सिलसिला है। अभी आधा है सिर्फ मेरी तरफ से, लेकिन धीरे धीरे पूरा भी हो जाएगा। भाई, जब उसके बारे में इतना कुछ बता ही दिया है तो उसका नाम भी बता दो। नहीं नहीं, हमें नहीं जानना। अरे लेकिन मुझे तो बताना है। क्यों बताना है? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए। जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसका नाम है शहजादी यास्मीन। जिनू, अम्मी कहाँ है? भाई, अम्मी तो घर निकल गई और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हें भी साथ लेते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम भी घर चलते हैं और नेक्चुड़ी को भी उसके घर छोड़ देंगे, हमारी कालीन पे, है ना? हाँ। नेक्चुड़ी, अपनी मोहब्बत से मैं मिलने वाला हूँ और ख्यालों में तुम खोई हुई हो। आका, लगता है तुमने प्यारी परेशानी जी को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जिनू, वो क्या है ना,
मुझे महल में नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं अपनी सपनों की मलिका शहजादी यास्मीन के पास पहुंच जाऊंगा। तो मेरे पास अपने दोस्त से मिलने के लिए वक्त नहीं होगा, इसलिए थोड़ी नाराज है। बिना किसी इंसान से मिले, बिना उसे जाने, मोहब्बत कैसे कर सकते हो काले चोर? इसका मतलब तुम्हें यास्मीन से नहीं, शहजादी से मोहब्बत है, उसके रुतबे से मोहब्बत है। शहजादी को तो दुनिया जानती है, काश तुमने कभी यास्मीन को जानने की कोशिश की होती। पर तुम चिंता मत करो ना चिड़ी, जब भी मुझे शहजादी के लिए तोहफा लेना होगा ना, तो मैं सलाह तुमसे ही लूंगा और उनको बताऊंगा भी। मेरी दोस्त, अब तुम्हारा असली नाम क्या था? घना? नहीं 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 नहीं, घना नहीं, मना, सना, 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 सना। तुम्हारा असली नाम तो सना, बड़ा अच्छा नाम है। लेकिन शहजादी यास्मीन से अच्छा नाम नहीं। खामोश! शहजादी, 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 बस उसके बारे में बातें करना बंद करो तुम। जिनू, आसपास कुछ जल रहा है। नक्चड़ी, तुम्हें पता है जब मैं महल पहुंचूंगा ना, तो सबसे पहले मैं शहजादी के पास जाऊंगा। और फिर उनका हाथ उठाऊंगा और फिर उनकी आंखों में देखूंगा और बोलूंगा, क्या आपने कभी अपनी आंखों में देखा है? जहां देखती है रिश्ता तो बना लेती है। शहजादी मुझ पर लट्टू जाएंगी, मैं तुम्हारे लिए भी झाड़ू पोछा की नौकरी दिलवा दूंगा। वो देखो महल। खिचड़ी, वो देखो मेरा ससुराल। बस कल मैं यहां जाऊंगा और शहजादी यास्मीन से मिलूंगा। हमें यही उतरना है। जो हमारा घर आ गया। प्यारी परशन जी का घर महल में? अरे जीनू नहीं, वो महल की पिछली बस्ती है ना, वहीं रहती होगी, है ना? कालीन, नकचड़ी को नीचे उतारो। अलविदा शेख जी। अलविदा नकचड़ी। आका, तुमने लगता है प्यारी परेशान जी को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। जीनू, इसको ना परेशान करने में मजा आता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया शायद। हाँ। कोई बात नहीं, अगली बार मिलूंगा तो मना लूंगा। चलो चलो, अब हम भी घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। सोचा था मिलेंगे तो करेंगे कई बातें, पर देखा तुम्हें जब देखते रह गए, वो ख्वाब नहीं सच था,
खड़ी थी सामने, बस देखते रह गए। तुम्हारी एक झलक पाकर मैं फिर से जी उठा हूं रुखसार। कल तक ये घर, इससे जुड़ी सब यादें दिल में एक नश्तर की तरह चुभती थी, लेकिन आज वही यादें फूलों में तब्दील हो गई हैं। मैंने तो तुम्हारे जिंदा रहने की उम्मीद ही छोड़ दी थी रुखसार। इतने सालों तक न जाने तुम कहां रही, किस हाल में रही, जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचती रही। कल का सूरज हर सवाल का जवाब लेकर आएगा ना। कल सुबह होते ही मैं नाज़नीन और मुस्तफा से मिलने जाऊंगा और पता करूंगा कि रुखसार उनके साथ रहती है या कहीं और। उसके बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा रुखसार। मैं तुमसे मिलने आऊंगा। काले चोर की हिम्मत कैसे हुई हमारा मुकाबला शहजादी यास्मीन से करने की? अब तुम ही बताओ पिटी, क्या हम शहजादी यास्मीन से किसी भी मायने में कम है क्या? शहजादी आप भी तो शहजादी यास्मीन हैं। और अगर नहीं होते तो हम शहजादी यास्मीन से किसी भी मामले में कम होते? उसे हमने देखा है, हमें जानता है, लेकिन उस गधे को उस शहजादी यास्मीन से मोहब्बत है जिसे उसने कभी देखा भी नहीं और ना ही वो उसे कभी जानता है। पर शहजादी यास्मीन आप क्या कह रही हैं? मतलब आपने अभी कहा कि वो आपको जानता है, उसने आपको देखा है, फिर अभी आप कह रही हैं कि उसने शहजादी यास्मीन को नहीं देखा है, वो शहजादी यास्मीन को नहीं जानता है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मतलब आप ही तो शहजादी यास्मीन है ना, और आप पता किस बात से नाराज हो रही है कि वो आपको छोड़कर आपको ही पसंद करता है? यही तो बात है पिद्दी, हमने उसके साथ वक्त बिताया, कितने सफर किए, खतरों से खेला है, उसकी जान बचाई है, उसकी जान खतरे में डाली, पर तुम जानती हो पिद्दी, उसने हमसे कहा था कि हमारे साथ भी कुछ ऐसी बात है कि वो अपनी हर जीत का जश्न जब तक हमारे साथ नहीं मनाता तब तक वो जश्न जश्न नहीं होता है। लेकिन प्यार तो उसको शहजादी यास्मीन से है ना, उसे मोहब्बत शहजादी यास्मीन से। हमें लगा था कि वो बाकियों जैसे नहीं है, हमें लगा था कि शहजादी क्या लगा था? हम नहीं जानते हैं पिद्दी, नहीं जानते हम, हमें क्या लगा था? आज शहजादी देखिए वो काला चोर है और मौका मिलते ही वो चोरी करता है, कहीं उसने आपका भी तो कुछ चोरी तो नहीं कर लिया ना? मेरा मतलब है कि वो तो नहीं चोरी कर लिया ना, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है। हम नहीं जानते पिद्दी, हम नहीं जानते हमें कैसा लगा है, और हम बस इतना जानते हैं कि हमें जितना भी जो भी लगा है ना, हमें बहुत ही बुरा लगा है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पिद्दी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मिल गया तेल, खुद गया कुआं, तेल का कुआं, तेल का कुआं,
तेल का कुआं, तेल का कुआं, बहुत बड़ा तेल का कुआं, आओ मेरे साथ, तेल का कुआं, तेल का कुआं, तेल का कुआं, तेल का कुआं, तेल का कुआं। अच्छा अब इसी खुशी में ये गुड़ का शरबत पियो। वल्लाह वल्लाह बीबी जा गई गरीबी। कसम सोने के अशर्फियों की रुखसार, कुछ खुशियाँ हमारी झोली में भी डाल दो। कसम सोने के अशर्फियों की, जब से ये बीमार पड़े हैं खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। वो थोड़ी चीनी मिलेगी? और चीनी तो नहीं है भाभी, गुड़ ले आऊं? हाँ हाँ चाची जान गुड़ ले आइए। अभी लाती। चीनी तो बस बहाना है, असली मकसद तो तुझे तेरा अधूरा काम याद दिलाना था। तो अभी याद दिला देते हैं। क्यों भैंसों की सरताज? मतलब मेरी रानी चुप कर जाओ वरना फारस के जूतों से पिटवाऊंगी। ताज रानी फारस? अम्मी अबू कहीं आप भाई मेरे भाई को फारस की रानी के ताज की याद तो नहीं दिला रहे? ये लोग कहीं जिनों के सामने काले चोर का सच बाहर ना ले आए। कर शहजादी, माफी चाहते हैं वजीर आला। दरअसल हम बादशाह सलामत के साथ आपको मुबारकबाद देने आए थे। शुक्रिया। अबू अबू जान। हमें खदान में हादसों के बारे में जैसे ही पता चला हम तो डर गए थे, लेकिन आपने जिस समझदारी से उन हादसों को संभाला हमें उस पर फख्र है। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी आपके चेहरे पे गुस्सा? हम जानते हैं आपको इतना गुस्सा किसने दिलाया। अब जानते हैं? जी हाँ, ये भी जानते हैं दिन रात आपके दिलो दिमाग में एक ही शख्स छाया हुआ है। अब्बू को कैसे पता चला कि हम हर वक्त काले चोर के बारे में सोचते हैं? और वो है मच्छर। खदान में उन धमाकों के पीछे मुच्छड़ का हाथ हो सकता है। जी अबू, जिस तरीके से धमाके हुए हैं उसे जाहिर है कि किन कारनामों के पीछे मुच्छड़ का ही हाथ है। हमारा ये मानना है कि इतनी कोशिशों के बावजूद तेल की वो बड़ी खदान को कुछ नहीं हुआ। जी वजीर आला, कुएं की और खदान की हमें अब कड़ी पहरेदारी करनी होगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमें दिन रात उस तेल की खदान की फिक्र रहती है। हम तो यही सोचते रहते हैं कि उन खदान के धमाकों में क्या कमी रहेगी। हमारा मतलब है कि हमारी पहरेदारी में ऐसी क्या कमी रहेगी कि वो धमाके हो सके। खदान की जिम्मेदारी अब हम संभालें। हम चाहते हैं जिन लोगों की वजह से खदान में तेल मिला है उन लोगों को महल में नौकरी देने का वादा शहजादी आप पूरा करें। जी अबू।
मुझे महल में नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं अपनी सपनों की मलिका शहजादी यास्मीन के पास पहुंच जाऊंगा। तुम्हें महल में नौकरी चाहिए थी ना काले चोर, अब हम देखते हैं कि तुम्हें महल में नौकरी कैसे मिलती। ओ भाई, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं जिनू, ये लोग मेरी मजबूरी की बात कर रहे हैं, जिसका ये हमेशा फायदा उठाते, लेकिन अब और नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आपकी जान बचाई और आप मेरे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? हाँ अब्बू, शेख जिनू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने हमारी जान बचाई है, हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। बहुत अच्छे, शर्म तो आनी चाहिए। चुप कर अब्बू। अलादीन, तुझे हमारा कहा मानना ही पड़ेगा। कभी नहीं चाचा, क्योंकि अब इन हाथों ने खदान में मेहनत करके कमाई करना सीख ली और अब मुझे महल में इज्जत की नौकरी भी मिल गई है। तुम्हारा महल में आने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा काले चोर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।